और यहाँ हमें एक डेड बॉडी मिली है सामने, वो तीसरे नंबर के जो गाटर है उसके अंदर वो डेड बॉडी घूम रही है। अमूल मंचो सिर अंडरवेयर डाल रखा है और डेड बॉडी कम से लमसम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। सुबह सुबह का टाइम है, हम नहरों के ऊपर चढ़ गए और हमने अपना काम शुरू कर दिया है। आज हम पटियाले से जा रहे हैं रोपड़ की साइड, देखते जा रहे हैं कितनी डेड बॉडियां मिलते हैं, कितने दुखी परिवार मिलते हैं, कौन कौन गुम है, उसकी पूरी जानकारी और पूरे आंकड़े लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना और वीडियो के एंड तक बने रहना। जो चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक आशु मलिक गोताखोर को फॉलो नहीं किया जाके फटाफट फॉलो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और जितनी भी नहरों की जानकारी है वो आप तक हम प्रोवाइड करा सकें और जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। हम उम्मीद करते हैं कि रब ना करे कोई भी ऐसा हादसा आपकी ज़िंदगी के अंदर गुजरे, जो कोई आपके अड़ोस से पड़ोस से, कोई रिश्तेदार, कोई आपका सगा संबंधी, कोई नहरों से संबंधित है, जो लापता है, जिसकी आप तलाश कर रहे हो, जिसको ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए हम ये सारे वीडियो बनाते हैं और उसके लिए आप ये वीडियो देखो। हम कहते हैं कि आप वीडियो देखो और समाज को समझने के लिए वीडियो देखो। तो चलिए दोस्तों, हम आपका वक्त ज़्यादा ख़राब नहीं करते, सबसे पहले हम अपना सफ़र को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। तो फाइनल दोस्तों, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं जल्ले सुंडे, जहाँ से भाखड़ा नहर की दो नहरें बनती हैं, एक राजस्थान के लिए और दूसरी दिल्ली के लिए। और आप पीछे जाल देख रहे हो, बहुत शोर शराबा हो रहा है और जो हवा, हमारा जो सफ़र अभी जारी है, अक्सर मैं वीडियो के अंदर दिखाता हूँ कि हर पुल दिखाता आता हूँ, जनारथल का हो गया, जालखड़ी का हो गया, लंगवाले हो गए, सारे पुल, लेकिन अब नहीं दिखा रहा क्योंकि हमें आज लंबा सफ़र है, रोपड़ जाना है। तो चलिए हम अपने सफ़र को जारी रखते हैं और आपको इनकी जो जानकारियाँ सारे चलते चलते मैं बताऊँगा। बैठ बेटा, तो चलते चलते मैं सारी जानकारियाँ बताऊँगा। इस टाइम जल्ले सोंडे पुल के ऊपर फिर बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से भाखड़ा नहर की दो नहरें बनती हैं, देखो अभी दिखाऊंगा मैं, ऊपर उठा के बेटा फोन दिखा दे सारे। सफ़र हमारा बहुत लंबा है, अक्सर यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनके अपने गुम हो जाते हैं, नहरों के अंदर डूब जाते हैं, वो पोस्टर इस जगह पे लगाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, देखो ये है मेन हेड, ये सारा यहाँ पे ये पोस्टर लगा के जाते हैं सारे। और ये आ गई दिल्ली वाली नहर, यहाँ से अक्सर यहाँ पे हमारे नंबर भी लिखे होते हैं, जगह जगह सारे पुलों में हमारे नंबर है। ये देखो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरे फ़ोन नंबर है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो ये मेरे फ़ोन नंबर भी लिखे हैं। और आज हमारा सफ़र नीचे की जगह ऊपर का है, बड़ी भागा और ऊपर दूर तक जाएंगे हम, देखो ये। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना और एंड तक बने रहना वीडियो के। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं स्टम रेस्टोरेंट फ्लोटिंग, और हमने आज तीन ज़िले कवर करने हैं। सबसे पहला जो ज़िला हमने कवर करा है वो था पटियाला, दूसरा भी फतेहगढ़ साहब में चल रहे हैं, और तीसरा ज़िला हमारा रोपड़ आएगा, और रोपड़ तक हमने आज काम अपना ख़त्म करना है। तो अब हम पहुंच चुके हैं, ये बसी की झाल, ये ज़िला फतेहगढ़ साहब के अंदर पड़ती है, और अभी हमारा जो सफ़र है वो आगे के लिए जारी है, और जो भी कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह ज़रूर देंगे आपको, क्योंकि अभी सुबह सुबह ना तो धूप निकल रही, ठंड बहुत ज़्यादा है, पट्टियाँ सारी ख़राब हो रही हैं। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना, जो नए हैं आशु मलिक गोताखोर यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम तीनों जगह हमारा अकाउंट है, जाके फटाफट फॉलो कर लो। धन्यवाद साथियों। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फिरोजपुर की झाल पे, और ये भी मरिंडे के नज़दीक ज़िला फतेहगढ़ साहिब में पड़ती है, और अभी हमारा जो सफ़र है जारी है आगे, जितनी भी जो लोग गिरे हुए हैं रोपड़ मरिंडा किरतपुर नंगल भरतगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब से, जितने भी लोग भरतगढ़ आनंदपुर साहिब से गिरे हुए हैं उन सबको देखते हुए आज उल्टा रूट कर रखा है हमने, क्योंकि बड़ी भाखड़ा में चढ़ रहे हैं। अक्सर हम नीचे कभी डल्ले माजरे कुछ क्षेत्र करनाल अम्बाला पानी कुछ की तरफ घूमते थे, कभी इधर फनौरी की तरफ घूमते थे, जिला फतेहाबाद सिरसा। आज हमारा रूट पंजाब के अंदर ही है, हम सोच रहे हैं कि आज सारी जो नहरें हैं बड़ी बड़ी भाखड़ा पंजाब की कवर करें, स्कूटरी के ऊपर मैं और मेरा बेटा इन सारी चीज़ों को कवर करते जा रहे हैं। और मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, जो चैनल के ऊपर नए हैं ना वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने आशु मलिक गोताखोर यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा फटाफट जाके फॉलो कर लें। जिसको मेरे नंबर की जरूरत है 9942000008 ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। धन्यवाद साथियों, अभी हमारा सफ़र आगे जारी है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस टाइम निगावे वाली जाल पे, और यहाँ के बाद एक पुल और आएगा, उसके बाद मरिंडा आ जाएगा, और उसके बाद जो साइफन आते हैं, पुल आते हैं, गाटर आते हैं, वहाँ पे तकरीबन सारी डेड बॉडियाँ अड़ती हैं और वहीं पे रुकती हैं, और हम जाने लग रहे हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अगर किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है 9942000008 9942005008 ये मेरा नंबर है, आप मेरे संपर्क कर सकते हो। और अगर आपने मेरा नंबर लेना है तो आशु मलिक गोताखोर यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरे तीनों जगह पे अकाउंट है, वहाँ से भी मेरा नंबर ले सकते हो। और हमारा सफ़र जारी है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना और ज़्यादा ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करा करो, क्योंकि हम नहरों संबंधित जानकारी देते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने सफर को जारी रखते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में करते हैं। आज हमारा शाम को फुल वीडियो आशु मलिक गोताखोर यूट्यूब और फेसबुक पर आएगा। धन्यवाद साथियों। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मुरिंडा,
ये चंडीगढ़ टू लुधियाना हाईवे जो चंडीगढ़ से लुधियाना समराला होते हुए जा रहा है, और अभी जो अगला पुल आएगा वो एक फाटक वाला पुल आएगा, डूमखेड़ी कचोली ये सारे पुल मरिंडे के अंदर ही पड़ते हैं, और वो हमारे गोताखोर साथी बैठे हैं। बबलू भाई आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। ये हमारे साथी गोताखोर है जो यहाँ पे बैठे रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटियाँ देते हैं, और अभी हमारा जो सफ़र है वो आगे का जा रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रह करो, जो चैनल के ऊपर नए हैं आशु मलिक गोताखोर यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाके हमें फटाफट फॉलो कर लो, और जिनको मेरे हेल्प की जरूरत है नंबर की जरूरत है 9942000899450 8 ये मेरा नंबर है, आप मेरे संपर्क भी कर सकते कोई भी हेल्प की जरूरत है। तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना, जो भी जानकारी हो नहरों संबंधित या कोई भी इस तरह की नहरों संबंधित जानकारी जो गुमशुदा है या कोई डेड बॉडी मिलती है वो हम आपको तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। तो दोस्तों ये कैंची वाले पुल बने हैं, नीवे नीवे पुल हैं, बड़ी भागड़ा के ऊपर बने हुए। आज हमने नया रूट तो करा था, सामने वो 38 की झाल है, वहाँ पे गाटर लगे हुए, फाटक लगे हैं, और इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ डेड बॉडी पड़ी है, और मैं वहाँ इसलिए वीडियो नहीं बना सकता, वहाँ वीडियो अलाउड नहीं है, वहाँ पुलिस मुलाजिम भी बैठते हैं, बेलदार भी बैठते हैं, सारा कुछ है। वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है जिसने स्लेटी रंग का यानी कॉफ़ी कलर का चॉकलेटी अंडरवियर पहना हुआ है, और मैं जा रहा हूँ उसको देखूँगा, पूरी निशानी देखूँगा, तो मैं उसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों पहले 38 की झाल करते, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। तो फाइनली दोस्तों एक डेड बॉडी हमें मिल चुकी है, ये देखो ये घूम रहा है, और वीडियो को हमने ब्लर इसलिए कर रखा है, इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक इनको अलाउ नहीं करता, और अभी हम आगे देखते हैं और उधर देख लेते हैं, अभी बताता हूँ इसके बारे में, आगे देखता हूँ। और तो फाइनली दोस्तों हम पटियाले से सफ़र तय करते आए, हमने दो जिले कवर करे, सबसे पहला पटियाला, फिर फतेहगढ़ साहब, अब रोपड़ जिले के अंदर चल रहे हैं हम, और यहाँ हमें एक डेड बॉडी मिली है सामने, वो तीसरे नंबर के जो गाटर है उसके अंदर वो डेड बॉडी घूम रही है। अमूल मंचों को सिर्फ अंडरवेयर डाल रखा है, और डेड बॉडी कम से कम लमसम 15 से 20 दिन पुरानी डेड बॉडी है, बहुत हालत डेड बॉडी ख़राब हो रही है। और अभी हमारा जो सफ़र है वो अगले पुल तक है, देखते हैं पुल और आगे आ रहा है उस पुल तक जाएंगे हम, और जो भी जानकारी हो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वीडियो के अंत में जरूर देंगे। आज हमें कितनी डेड बॉडी मिली, कितने लापता है, वीडियो के एंड जरूर देखना और सुनना मेरी बातें गौर से कि हम कितना सफ़र तय करके आते हैं, कैसे हम डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हमारा सफर जारी है, आगे तक जा रहे हैं, जो भी कोई जानकारी हो हम आगे जाके वापस में एंडिंग में सारा बताएंगे आपको। तो फाइनली दोस्तों हम इस टाइम रोपड़ जिले के अंदर हैं, और उससे अगला भी जो लास्ट साइफन था जो हमें चेक करना, उस लास्ट साइफन के ऊपर हम पहुंच गए हैं। रास्ते के अंदर हमें एक डेड बॉडी मिली है जिसने कॉफ़ी मतलब कोको कोला कलर का यानी चॉकलेटी कलर का एक अंडरवियर पहना है अमूल मंचों का, और शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, और डेड बॉडी 15 से 20 दिन पुरानी, हालात डेड बॉडी के बहुत ज़्यादा उसके ख़राब है, बहुत कंडीशन ख़राब है। और हमारा जो सफ़र है वो पटियाले से हम शुरू करते करते हम सोचते थे रोपड़ के हक और जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धुंध भी पड़ रही है और मौसम साफ नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अब हम परले वाली जो गंडाखेड़ी वाली राजपुरी वाली नहर है उसका सफ़र हम तय करते हुए वापस जाएंगे। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको बता दूँ, उसके बारे में मैं जानकारी विस्तार से दूँगा। एक लड़की नंगल से लापता है, रोपड़ से एक महिला, और एक आदमी रोपड़ जिले से यहाँ से लापता है, और एक खन्ने से एक बुजुर्ग आदमी वो लापता है, और राजपुरे से एक जो हमें कॉल है गंडाखेड़ी से राजपुरा जो है कल का एक बंदा वहाँ से लापता है, समाणे से एक बंदा लापता है, पटियाले से दो बंदे लापता हैं, और अदर जो अलग जो राज्य हैं उनमें से भी आ रही, रुड़की से एक आदमी लापता है, रुड़की से हमारे पास है, दिल्ली से एक बंदा जो है वो बड़ी नहर जो दिल्ली वाली जो जमुना लिंक नहर है उसके अंदर भी एक बंदा लापता है, रोहतक से हमें एक कॉल आ रही है, टुहाने के हम अंदर से हमें एक कॉल आ रही है, और इसके अलावा हमारे पास 6 डेड बॉडियाँ जो लवारिस के अंदर आई हुई हैं, जो अलग अलग हॉस्पिटल में जो फतेहाबाद सिरसा और हिसार और इधर दिल्ली, 6 डेड बॉडियाँ अलग अलग हॉस्पिटलों के अंदर पड़ी हुई हैं, जो लवारिस अभी भी पड़ी है, जिनका अंतिम संस्कार अभी नहीं हुआ, जो अभी नहरों के अंदर से जो निकाल के उन्होंने रख रखी है। ज़्यादातर जो दो डेड बॉडियाँ दो फतेहाबाद हॉस्पिटल में पड़ी हैं, सिविल अस्पताल फतेहाबाद में दो डेड बॉडियाँ पड़ी हैं, जिसके अंदर से एक यंग जवान एक सरदार भी है जिसकी उम्र थी तकरीबन 25 से लेकर 30 साल की होगी, और एक बुजुर्ग भी हैं। और इधर सरसे के अंदर एक गली सरी डेड बॉडी है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और इधर दिल्ली के अंदर 3 डेड बॉडियाँ उधर भी आई हुई, अच्छा एक डेड बॉडी सॉरी रोहतक में भी आई हुई है, रोहतक पीजीआई के अंदर भी एक डेड बॉडी आई हुई है जो लवारिस नहर की डेड बॉडी है। तो ये वो डेड बॉडी हैं जो नहरों से निकाल के पुलिस वालों ने निकाल के उनको हॉस्पिटलों के अंदर 72 घंटे शनाख्त के लिए रख रखी है, और इसी तरह ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं बता रहा हूँ, जो आदमी अलग अलग जगह से, यदि आपका भी कोई आदमी गुम है और लापता है जिसकी आप तलाश कर रहे हो, उसको आपको शक है पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान की किसी भी नहर के अंदर आपको शक है कि वो नहर के अंदर हो सकता है,
डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है और डिस्प्ले के ऊपर ये नंबर है, आप हमें संपर्क करके उस बंदे की पूरी डिटेल और व्हाट्सएप पे फोटो भेज सकते हैं, जिसके जिसको हम पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर वायर इंडिया व्हाट्सएप जो हमारे ग्रुप है उनके अंदर, प्लस और भी हमारे पास कई पुलिस के ग्रुप हैं, बेलदारों के, डॉक्टरों के, और भी कई गोताखोरों के ग्रुप हैं जिनके अंदर हम उनको वायरल करेंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ताकि उसके बारे में पता लग जाए, कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, आप इस नंबर पर हमें फोटो भेज सकते हैं ताकि हम उन फोटो को अलग अलग ग्रुपों के अंदर भेज सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं, कल फिर एक नई कहानी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, अलविदा।